हमको वाइट एपेक्स का पेस्ट लेना है, जिसमें हमें पानी को मिक्स नहीं करना है, और रोलर को इस तरीका से हल्का हल्का इसमें चलाना है। रोलर पर ज़्यादा पेस्ट नहीं लगना चाहिए। जब हम रोलर को स्टेंसिल पर चलाएंगे तो इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। अगर इस पर ज़्यादा कलर लगा के हम प्रेस कर देंगे तो इसके स्टेंसिल के अंदर कलर चला जाएगा, जिससे डिज़ाइन प्रॉपर नहीं बनेगा। ये देखिए, अच्छी फिनिशिंग के साथ में डिज़ाइन निकल कर आ रहा है। इस तरह से ही रोलर को अच्छे से प्रेस करके चलाना है, हल्का हल्का, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ में। देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। एक बार के रोलर पे कलर लगाने के बाद में कम से कम 3-4 स्टेंसिल लग जाते हैं। उसके बाद फिर कलर को दोबारा किसी तरीका से लगाना है।